साथियों एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। आजकल मैं थोड़ा सा आप लोग देख रहे हैं कि बहुत धीरे पढ़ाने लग गया हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं सर बहुत स्पीड से चलते हो आप, आर्यभट्ट की तरह चलते हो। पुराने लेक्चर्स जब आप देखोगे प्रॉफिट लॉस और रेशियो प्रोपोर्शन के, तो आप लोगों को लगेगा सर बहुत स्लो मोशन में चल रहे हैं उसके मुकाबले। परसेंटेज हम लोग पढ़ चुके हैं, रेशियो प्रोपोर्शन हम लोग खत्म कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस हम लोग खत्म कर चुके हैं, डिस्काउंट भी साथ साथ में चलता रहेगा, दो दो लेक्चर आप लोगों को मैथ्स के मिलते रहेंगे, टेंशन ही मत लो। तो आज हम लोगों का किसका, साधारण ब्याज का सेकंड टॉपिक है। सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, दिल से लाइक करिए, दिल से लाइक बनता है आप लोगों को, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, साथ साथ में मेरा भी ध्यान रखिए। तो आज मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि आरटी परसेंट मतलब एसआई होगा, इसका यूज हम लोग लास्ट में मतलब आगे वाले जो लेक्चर्स रहेंगे उनमें करेंगे। तो कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, कैसे करेंगे उस चीज को आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। और पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, पहले मैं इस क्वेश्चन को तीन तरीके से बताऊंगा, मतलब एक तो बेसिक और बेसिक के साथ में और बेसिक और उसके साथ में आरटी परसेंट वाला। तो एक क्वेश्चन को आप ध्यान से जरा समझना, उसके बाद में हम लोग कैसी बात करें कि क्या होगा। काफी जगह मुझे लगता है इतना तो मेरा पूरा मुंह आ रहा होगा, इतना ज्यादा तो इतना कि नहीं आ रहा होगा। कोई धन जो है साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, कोई धन बोला तो कोई धन मतलब क्या, हमको पता नहीं है कि कोई धन क्या है। कोई धन क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अरे कोई धन क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर बचपन वाली मेथड से करें तो x भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। अगर अभी वाले मेथड से करें, आजकल एडवांस लेवल पे उसको 100 मानने लग गए ऐसा कहा जाता है। तो कोई धन साधारण ब्याज की दर से, तो कोई धन x भी हो सकता है 100 भी हो सकता है पांच वर्ष के लिए, सॉरी कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से पांच वर्ष में, तो टाइम दे रखा कितना, पांच साल। अगर इधर मानना है तो भी पांच, इधर मानना है तो भी पांच, क्योंकि दे ही रखा है। अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो अपने का 3/2 गुना मतलब अपने का 3/2 गुना या अपने का 3/2 गुना, पहले बेसिक समझ लो उसके बाद में सब चीजें बता दूंगा। और बहुत आसान तरीके से यू स्टेप यू क्या बोलते हैं चुटकियां बजाना, ऐसे कर लोगे मजा आ जाएगा, देखो तो सही जरा। अपने का 3/2 गुना, अपने का 3/2 गुना हो जाता है, हो जाता है का मतलब मैंने क्या बताया था, हो जाता है मतलब आपकी जेब में पैसों आई है, आपके जेब में पैसा आ चुका है, और वो जो पैसा आपकी जेब में आया है वो ब्याज सहित आया है, मतलब आपके पैसे जो आए हैं वो है अमाउंट, वो है मिश्र धन। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, अमाउंट हो गया, ये क्या हो गया मेरे लिए, अमाउंट हो गया। अगर आप एक्स मानोगे तो ये हो जाएगा, 100 मानोगे तो ये हो जाएगा। आप लोग इसको 100 मान के करना मजा आएगा, और आरटी परसेंट वाली मेथड बताऊंगा तो आप इसको भी भूल जाओगे, मजा ही मजा है। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ब्याज की वार्षिक दर बताइए, तो रेट बतानी है, तो रेट क्या हो जाएगी, रेट परसेंट हम लोगों को बताना है किस रेट से दिया गया है, देखते हैं भाई क्या है। तो पहले तो आप लोग क्या करो, इनको समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे उस आरटी वार्टी जो भी दे रखा है। तो अगर मैं इसको काटूं 2 से तो कितनी बार कटेगा, 50 बार, और 5 या 15 मतलब कितना हो गया 150, मतलब मेरा अमाउंट कितना हो गया 150 हो गया। तो और ये कितना हो गया 3x/2, मेरा अमाउंट कितना हो गया 3x/2। अब मैं सिर्फ यही बताऊंगा, आप इसको इसके हिसाब से फॉलो कर सकते हो, चाहो तो एक्स मानना, और बेसिक से बता रहा हूँ यही चीज। अगर आपका अमाउंट 150 है, आपने 100 रुपया दिया था, तो आपका एसआई कितना हो गया भाई, 50 रुपये हुआ ना, क्योंकि भाई अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो ब्याज आएगा। आपके हाथ में जो पैसा आया है वो 150 रुपये आया, मतलब ब्याज सहित आया है, 100 पे 150 हुआ, तो ब्याज कितना मिल गया, 50 मिल गया। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम कितना है 5 साल अपॉन में कितना 100। तो हमेशा क्या होगा, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो रहा, मैं इसको काट से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा 10 बार। तो आरटी परसेंट कितना हो गया 10%, मेरा आंसर कितना हो गया 10%। इसी मेथड को ऐसे याद रखना है दिमाग में, ऐसे दिमाग में याद रखना है, ऐसे दिमाग में याद रखना है, ऐसे दिमाग में याद रखना है कि ये हमेशा 100 इस 100 से हमेशा कैंसिल होगा यदि 100 मान के चलेंगे तो 100 मान के चलेंगे तो होगा कैंसिल, तो ये हो गया मेरा क्या 100 कैंसिल, हमेशा ध्यान रखना है। अब अपने को याद क्या रखना है कि इधर तो आपका जो ब्याज बनेगा वो लिखना है और इधर आरटी लिखना है, तो टी तो दे रखा है, आर निकालना है। तो अब बात को ध्यान से समझो कि ये फंडा आप लोगों को बेसिक से ही करना है, तो कैसे करना है ना। एक क्वेश्चन और बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद में आरटी परसेंट वाली मेथड, तो इसी क्वेश्चन में बता देता हूं कि कैसे करेंगे। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिंसिपल को जब आप 100% मान के चलते हो और अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। तो अगर आपने प्रिंसिपल को 100% मान के चला है, तो एसआई की जगह मैं क्या आरटी परसेंट लिख सकता हूं, अगर आरटी परसेंट वाली मेथड से करूं तो आरटी परसेंट लिख सकता हूं। तो भाई मेरी बात सुनो, प्रिंसिपल आपका 100 हो जाएगा, अमाउंट आपका 100 क्या होगा,
क्या बोला उसने, 3/2 गुना हो जाता है। तो 3/2 गुना हो जाता है का मतलब 2 से काटा कितनी बार, 50 बार काटा, तो 50 दिए कितना हो गया, 150 हो गया। तो प्यारे दोस्तों ये हो गया हमारे लिए 150%। अगर ये 150% है और प्रिंसिपल आपका 100% दे रखा है तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, 50% होगा, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमको इसको 50 करना पड़ेगा। ये 150 है तो इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 50% करना पड़ेगा। तो ये 50% हो गया, तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि इस 50% में टाइम कितना दे रखा है, 5 साल दे रखा है। तो मैं इस 50 को 5 × 10 कर सकता हूँ, मतलब मेरा 5 तो क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया, 5 तो टाइम हो गया, ये टी हो गया, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, R% हो गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 10 हो गया। अल्टीमेटली आपको करना क्या है कि ये जो टाइम दे रखा है इससे इसको डिवाइड कर दो, 5 धाम कितना हो गया, 50, मतलब आपका आंसर आ गया। जरा देखें इसी मेथड को अप्लाई करके, इधर देखें जरा क्या हो गया, देखें जरा, देखो जरा, मजा ही मजा है। वो 100 मान के करोगे तो वो भी मजा आ जाएगा। एक धनराशि जो है साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, दे दो कोई दिक्कत नहीं है, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई। अगर प्रिंसिपल मैंने 100% मान लिया तो अमाउंट कितना होगा, 5/4 गुना, इसको 4 से काटूंगा तो 25 बार और 25 × 5 = 125, मतलब मेरा अमाउंट कितना हो गया, 125%। अगर अमाउंट मेरा 125 है, प्रिंसिपल मेरा 100% है, तो मेरा RT% कितना होगा, 25% होगा। कितने साल के लिए उधार दिया, 3 साल के लिए, तो अल्टीमेटली हमको क्या करना है, 25 को 3 से डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि R × T है, तो T कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, वो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, दिमाग में गैस करना पड़ता है। तो 3 से अगर डिवाइड करूँ तो कितना होगा, 3×8 = 24, 3 सहित 1/4, तो मेरा क्या हो गया, R% कितना आ गया, 8 सहित 1/4% आ गया। बोलो बात क्लियर होती है, सबका फंडा क्लियर हुआ, बिल्कुल आसान था। अब देखो एकदम बेसिक तरीके से और बताता हूँ, ये वाली मेथड किसी किसी के लिए बहुत क्या बोलते हैं उसको, दुखदायी हो सकती है। इसलिए मैंने माना क्या, प्रिंसिपल कितना हो गया मेरे लिए, 100 रुपये हो गया, तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 5/4 से, वही है, कुछ भी नहीं है, 4 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 4 से काटा तो 25 बार, 25 × 5 = 125। तो मेरे प्यारे दोस्तों अमाउंट अगर 125 है तो ब्याज कितना हो गया, इसमें से इसको माइनस करोगे तो SI कितना आया, 25 आया। तो SI इज इक्वल टू क्या होता है, P × R × T, 3 साल के लिए दे रखा है, अपॉन में 100 से 100 कैंसिल करा, 25/ कितना आ गया, 3 आ गया, बराबर R आ गया। आया अल्टीमेटली क्या आया, रेट के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा, सिंपल इंटरेस्ट को डिवाइड करना पड़ा 3 से। तो मैंने अभी हाल क्या बताया था कि टाइम से डिवाइड कर दो जो RT% है उसी को, और RT% क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन पा रहे हो तुम लोग, ये शिक्षकों के लिए अभी आवाज उठाई है मैंने, है ना, सुन पा रहे हो ध्यान से। तो ये चीज़ है हम लोगों को ध्यान रखनी है। तो RT% कितना हो गया, R% ध्यान रखिएगा, है ना दोस्तों। कभी कभी हार्ड हो जाता हूँ यार, है ना मैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और देखो, वो पेट में दुखने वाले क्वेश्चंस में हटा देता हूँ। रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया है, और 4 वर्ष के लिए उधार दिया है उसने, तो अगर 4 साल के लिए उधार दिया है तो अवधि के अंत में सुरेश 6/5 गुना धन। तो अगर प्रिंसिपल मेरा 100% होगा तो 6/5, 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 20 × 120, मतलब अगर आपका अमाउंट 120% है तो मैंने मान लिया कि 120 मान लिया, तो अपन ने इसको तो 100% मान के चला है, प्लस बचा क्या, इसको बैलेंस करने के लिए 20 करना पड़ेगा। तो रेट परसेंट निकालना, कितने साल के लिए उधार दिया, 4 साल के लिए, तो 4 से डिवाइड करो कितना, 4×5 = 20, मतलब कितना हो गया, 5%। बिल्कुल सिंपल आसान था, उस मेथड से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मेथड अच्छी लगती है। तो आप लोगों को यदि उससे करना है तो उससे भी कर सकते हो। क्लियर हुआ फंडा, आगे देख लेते हैं, इसका आंसर भी आप लोगों का आ जाएगा। देखो मजाक मजाक में रज्जाक भाई चल बसे थे, तो देख लो इधर जरा कि भाई एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि को उधार लिया, 2 साल के बाद में 11/10 धन गुना। अगर आपने प्रिंसिपल 100% मान के चला है तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काटूंगा, 11 धाम कितना हो गया, 110 हो गया। अगर आपका अमाउंट 110 है, प्रिंसिपल 100 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ 10 लाना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ 10 ला रहे हो तो कितने साल के लिए दे रहे हो, तो 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, 5 आ गया, मतलब आपका रेट प्रतिशत कितना आ गया, 5 आ गया। बोलो बात क्लियर होती है क्या, और क्वेश्चन लेके मैं आप लोगों का टाइम किल कर सकता था। तो टाइम किल करने से कोई मतलब नहीं, आप इसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। आपको करना क्या है, आप लोगों को प्रिंसिपल हमेशा 100 मान के चलना है। अगर आपका अमाउंट जो भी आता है, 150 आता है, जैसा आता है, ऐसा ही कितना हो जाएगा, आप लोगों को इसमें से इसको माइनस करोगे तो 50 आ जाएगा। वो P × R × T अपने को लगा देना है,
इंटू 100 ये लगाना चाहो तो ये लगा सकते हो, RT% लगाना चाहो तो RT%, जो आपको पसंद आए वो कर लो यार, कितना आसान है, हर चीज़ आसान है। मैं बोलता हूँ कि ये सबसे आसान होता है, ये आपको झमेले याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है जब आपको ये क्लियर हो जाता है। यहीं से ये सब चीज़ें बनी हुई होती है, ये सिर्फ क्या होता है, आप लोगों के माइंड गेम का खेल होता है कि आपको जो चीज़ समझ में आ गई उसको आपको आसान करके दे दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों रफ कर देता हूँ, तब तक आप लोग मेरी एक बात सुन लो। मेरे प्यारे दोस्तों जो भी आप मुझे दिल से पसंद कर रहे हो तो कमेंट भी ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो इसी तरीके के और वीडियोज़ आप लोगों को पसंद है तो बताइए। अब मैं आप लोगों के लिए नई एक एक नई नई सीरीज़ चालू करने वाला हूँ, मज़ा ही मज़ा आएगा। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।